कैसर भाई, मैंने उसके जूते में कील रख दिए, आज उसके पांव खून खून हो जाएंगे, आज के बाद वो निमाज का नाम भी नहीं लेगा। तूने बिल्कुल ठीक किया। आओ अब इसका अंजाम भी देखते हैं। ये तो ठीक ठाक चल के जा रहा है। मुझे लगता है तूने इसके जूते में कील ही नहीं रखे। ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने अपने हाथों से उसके जूते में कील रखी है। अगर तूने कील सही तरह करके रखे होते तो ये ऐसे चल के न जा रहा होता, इसके पांव खून खून होते। अच्छा वो सब बताओ, मुझे क्या करना होगा? अब तुम कुछ मत करो, अब जो भी करना होगा मैं खुद करूंगा। आओ मेरे साथ। अब कील मैंने अपने हाथों से रखे, अब देखना ये कदम भी नहीं चल पाएगा। हाँ हाँ, आपको मेरी बात पे तो यकीन नहीं है, अब आप अपनी आंखों से देख लेंगे। बोस ये क्या, ये तो आज भी ठीक ठाक चल के जा रहा है। यासिन कुछ तो गड़बड़ है, आखिर इसके पांव जख्मी क्यों नहीं हो रहे? अब ऐसा करते हैं, इसको जाने नहीं देते, इसको जाके पकड़ते हैं और इससे पूछते हैं कि क्या मुआजरा है। चलो आओ फिर। रुको, हमारी बात सुनो। खैरियत तो है भाई, आपने मुझे क्यों रोका है? हम आपके जूते में कील देखते हैं, वो आप कहाँ गायब कर देते हो। चलो जूता उतार हमें दिखाओ। ये क्या, हम तो आपके जूते में कील रखते हैं, ये फूल कहाँ से आ गए? ये तो नहीं पता मुझे कि ये फूल कहाँ से है मेरी जूती में, लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूँ कि जो बंदा 5 वक्त की नमाज पढ़ता है अल्लाह उसकी हिफाजत का जिम्मा खुद ले लेता है। नमाज जन्नत की कुंजी है, नमाज सिर्फ बुराइयों से नहीं बचाती बल्कि जो शख्स नमाज की पाबंदी करता है अल्लाह उसकी गैब से मदद फरमाते हैं और हर किस्म की बलाओं से उसकी हिफाजत भी करते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम नमाज की पाबंदी करें। अगर आपको ये हमारा मैसेज पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। शुक्रिया।